नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में शुरू हुई विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच राजनीतिक गतिविधियां हुई तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से कई दशकों से रुका पड़ा शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट अब हुआ शुरू, कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर पूरी तरह तैयार। और बारामूला के नूरबाग में हुए भीषण अग्निकांड में एक दर्जन मकान जलकर हुए राख। अब समाचार विस्तार से। बारामूला के नूरबाग इलाके में वीरवार की रात को हुए एक भीषण अग्निकांड में लगभग एक दर्जन मकान जलकर राख हो गए। अलबत्ता इनमें किसी प्रकार का जानी नुकसान तो नहीं हुआ, परंतु छह लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। यहां मिली जानकारी के अनुसार रात 10 बजे के करीब शेख मोहल्ला नूरबाग में अचानक एक मकान में रसोई गैस के सिलेंडर के फटने की आवाज आई। उसके साथ ही वहां आग लग गई। घर में मौजूद लोग उसी समय अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ दौड़े। उन्होंने मदद के लिए शोर मचाते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के हालिया नई दिल्ली दौरे के बाद जम्मू कश्मीर में शुरू हुई विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यधारा की सियासत से जुड़े सभी राजनीतिक दलों में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। 5 अगस्त 2019 से पहले की संवैधानिक स्थिति की बहाली और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाए बिना विधानसभा चुनावों से दूर रहने का संकेत देने वाले दल भी अपने अपने कार्यकर्ताओं को लामबंद करने में जुटे हुए हैं। इसके लिए मीडिया और टेली कॉन्फ्रेंस का भी सहारा लिया जा रहा है। सभी दल अपने विभिन्न इकाइयों के चुनिंदा नेताओं की क्रमानुसार बैठकें बुला रहे हैं ताकि भीड़ जमा ना हो। स्थानीय सियासी हलकों में दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव इसी साल दिसंबर या अगले साल की शुरुआत में ही संपन्न कराए जा सकते हैं। अगर कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आती है तो जम्मू कश्मीर में मरीजों को कोई परेशानी नहीं आएगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग अस्पतालों में सुविधाएं तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही अब अच्छी सेवाएं और मरीजों को बेहतर देखभाल के लिए स्टाफ को प्रशिक्षित करने की तैयारी है। इसके लिए प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों से स्वास्थ्य कर्मचारियों की सूचियाँ मांगी गई हैं। 3 माह के प्रशिक्षण के लिए इन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, PGI चंडीगढ़ और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस श्रीनगर भेजा जाएगा। प्रशिक्षण पाने वाले डॉक्टरों के साथ पैरामेडिकल व नर्सिंग स्टाफ भी शामिल होगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर पर नज़र रखने और इसे रोकने की योजना बनाने के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि इंसेंटिव केयर यूनिट और गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों की भर्ती होने वाले स्थानों पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट बनने से भारत को सिंधु जल संधि के तहत अपने हिस्से का पानी मिलने लगेगा। पूरी उम्मीद है कि नवंबर 2022 तक ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। वर्ष 1960 की सिंधु जल संधि के तहत भारत को ब्यास, रावी व सतलुज नदी का नियंत्रण मिला था। वहीं पाकिस्तान को चिनाब, झेलन व सिंधु नदी का नियंत्रण मिला था। शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट के अभाव में रावी नदी का भारत के हिस्से का पानी भी पाकिस्तान को मिल रहा था। अब प्रोजेक्ट बनने पर जम्मू संभाग के कठुआ जिले के कंडी इलाकों को पानी मिलेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह वीरवार को दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सिंह ने कहा कि कई दशकों से रुका पड़ा ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के कारण शुरू हुआ है। दक्षिण कश्मीर के लित्तर शोपियां में आतंकियों ने सुरक्षा बलों की एक नाका पार्टी पर हमला किया। नाका पार्टी ने खुद को बचाते हुए जवाबी फायर किया। करीब 5 मिनट तक दोनों तरफ से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इसके बाद आतंकी वहां से भाग निकले। इस हमले में किसी तरह के नुकसान की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। पुलिस सूत्रों के कहना है कि आतंकियों ने यह हमला घात लगाकर किया। ये तो गनीमत है कि इस फायरिंग में जवानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अलबत्ता आतंकी हमले के बाद ही सुरक्षा बलों ने अपनी पोजीशन संभालते हुए आतंकियों पर गोलाबारी शुरू कर दी। इस बीच अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी बुलाया गया। जैसे ही आतंकवादियों ने SOG, सेना और CRPF की अतिरिक्त टुकड़ियों को घटनास्थल पर पहुंचते देखा, वे वहां से फरार हो गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। जम्मू जिले को पूरी तरह से अनलॉक कर सामान्य स्थिति बहाल की जाए, ये मांग गुरुवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने
मंडलायुक्त राघव लंगर से मुलाकात कर दी। पदाधिकारियों का कहना है कि कोरोना संक्रमित मामलों और मृत्यु दर में कमी आई है, जिससे वास्तविक गतिविधियों को फिर से गति दी जाए, कारोबारियों को अधिक राहत देने के लिए उचित उपाय किए जाए। चैम्बर के प्रधान अरुण गुप्ता ने कहा कि नियंत्रण लॉकडाउन के कारण व्यापारिक समुदाय वित्तीय संकट में है। उन्होंने बिजली बिल माफ करने के साथ कारोबारियों को राहत देने की मांग की। होटल उद्योग और ट्रांसपोर्टरों का भी मुद्दा उठाया। कहा कि होटल और रेस्तरां को 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक विस्तारित समय के साथ काम करने की अनुमति दी जाए। जम्मू क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नीति को फिर से तैयार करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से सियासी खिचड़ी पक रही है। केंद्र से कश्मीर आधारित पार्टियों के नेताओं की ट्रैक टू पर बातचीत चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हालिया बयान है कि पार्टी परिसीमन के खिलाफ नहीं है और केंद्र से बातचीत के सारे विकल्प खुले हैं कि कई मायने निकाले जा रहे हैं। फारूक के बयान के अगले ही दिन वीरवार को उमर अब्दुल्ला के दिल्ली पहुँचने से सियासी सरगर्मी को और बल मिला। इसे परिसीमन तथा विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी में है। इसके चलते परिसीमन आयोग ने भी गतिविधियां तेज कर दी हैं। चीन और पाकिस्तान ने भारत के साथ सरहदी इलाकों में स्थिति सामान्य बनाने की आड़ में एक बार फिर अपनी जंगी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चीन और पाकिस्तान की वायुसेना इन दिनों पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पार तिब्बत में संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है। इस अभ्यास में दोनों मुल्कों की सेना हवा से हवा में, जमीन से हवा पर, समुद्र से हवा में मार करने वाली मिसाइलों UAV और ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं भारतीय सेना ने भी इस संयुक्त युद्धाभ्यास का नोटिस लेते हुए जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ सटी नियंत्रण रेखा और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सतर्कता बढ़ा दी है। संबंधित सूत्रों ने बताया कि 2 दिन पहले पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास देखे गए चीनी सेना के लड़ाकू विमान इसी युद्धाभ्यास में शामिल थे। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता की अगुवाई में बिजली डिपार्टमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उन्होंने उपराज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि बिजली की कटौती में डिपार्टमेंट के जिन लोगों का हाथ है उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। बिजली नहीं होगी, लोग घरों से बाहर आएंगे, कोरोना ज्यादा फैलेगा, इसलिए आपसे अपील करना चाहता हूँ, बिजली डिपार्टमेंट के वो गंदे लोग जो बिजली के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रयास करना चाहते हैं, पैसे पूरे ले रहे हैं, बिजली नहीं दे रहे, उनको उठा करके बाहर फेंको और उनको यहाँ से हटाओ। धन्यवाद, आपका शुक्रिया। PDP स्टेट सेक्रेटरी रंजेंद्र मन्हास की अध्यक्षता में PDP हेड ऑफिस गांधीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें ये कहा गया कि लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। बिजली की लगातार कटौती हो जा रही है, जिससे लोगों को इस गर्मी में भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती की चोरी को पूरी तरह से रोका जाए और लोगों को मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं, ताकि उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और साथ में हमने हर बार ये कहा कि हमारे पीछे कोविड 2 साल चल रहा है, जी साहब के तो जितने भी सलाहकार हैं, सेक्रेटरीज हैं, एडवाइजर हैं, वो तो मुख्य दर्शन कर देख रहे हैं। तीसरी 25 के करीब हमारे जो लोग हैं जम्मू कश्मीर में, उनकी डेथ हो गई है। जो प्रॉब्लम आया उसके लिए क्या कर रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो हेल्थ साहब से मैं कहता हूं कि जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, जब बाकी लोग हैं उसके ऊपर ध्यान दे। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो कोरोना की मार, दूसरा बेरोजगारी और तीसरा बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतें। ऐसे में आम जनता जाए तो जाए कहाँ। उन्होंने कहा कि लोगों को इस मौके पर राहत दी जानी चाहिए और उनके साथ इंसाफ करना चाहिए। इस खास मौके पर GA मीर और रमन बल्ला खास तौर पर मौजूद थे। 10,000 रुपए का बर्डन मोदी सरकार किचन पर मंथली डाल रहा है,
उसके बदले में 25 रुपए का 25 किलो आटा वो अनाउंस कर रहा है, वो तो आजकल कोई खाता नहीं, और 25 रुपए देकर 10,000 रुपए का लूट कर रहा है एवरेज फैमिली से, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रहा है कि अपने कीमतों को रोल बैक करो, आम गरीब को रिलीफ दो, उसके किचन को चलने दो। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू को अलग दर्जा दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जम्मू के साथ हमेशा ही भेदभाव होता रहा है। राज्य का दर्जा भी छीना गया तो उसका मुख्य कारण भी कश्मीर के अंदर जो जितने भी शासक हैं उनके विवाद पर ध्यान को जाता है और वहां पर सक्रिय आतंकवाद को जाता है। जम्मू के साथ लगातार भेदभाव होता गया, पिछले 22 महीने से धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को जितने भी राहत पैकेज मिले, पर्यटक को लेकर, विकास को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाएं जो मिली, जो ऑक्सीजन प्लांट मिले, यहां तक कि जो केसर योजना को बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं आई, सब के अंदर जम्मू के साथ बंदर फाट हुई है। जम्मू का भविष्य सुरक्षित करने के लिए मैं आप लोगों के माध्यम से तमाम जम्मू के संगठनों को, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संगठनों से अपील करता हूँ कि वह एकजुट होकर अलग जम्मू की आवाज़ बुलंद करें। हमें चाहे यूपी दे दो मगर हमें कश्मीर से अलग। भाजपा के नेता एवं पार्षद संजय कुमार बड़ू ने वार्ड नंबर 41 में सेवा ही संगठन के एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पार्षद ने पूर्व जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री सत शर्मा, वार्ड प्रधान अशोक वजीर और पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ वार्ड के सफाई कर्मचारियों एवं पीएचई विभाग के डेली वेजर्स में ड्राई राशन, फेस मास्क एवं सैनिटाइजर वितरित किए। आज जो हमने यहाँ कार्यक्रम रखा था, जहाँ हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं और हमारे डेली वेजर्स भाई, जिनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा कम है और इस कोरोना महामारी में चाहे पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो, ये सब लोग देखते हैं। इन सबको आज हमने अपनी तरफ से सेवा ही संगठन के माध्यम से थोड़ा ड्राई राशन और सैनिटाइजर, जो इनको बार बार जरूरत भी पड़ती है, वो हमने जहाँ किए हैं। मैं एक बार फिर साथ शर्मा जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।